जिनारीन अस्सलाम वालेकुम। और कल इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे पाकिस्तान ने सुनी, उसमें जाहिर है एक तो वो चोर डाकू वाली बातें तो थी, वो तो हमेशा ही होती हैं। नई जो बातें उन्होंने करना शुरू की हैं वो थोड़ा सा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल किसे कर रहे हैं, मुझे आपको या किसी सियासी जमात को करते तो शायद इतना शोर ना पड़ता। इमरान खान अब फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। पहले ये छोटा सा क्लिप है इमरान खान साहब का, वो आप सुन लें तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं चुप हूँ, जब से ये हुआ सब कुछ मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने किया। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका ये हमजा शरीफ, ये सवा दो महीने से इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ। हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में, दो दिनों में फैसले हो जाते हैं। ये दो महीने में फैसला नहीं हुआ कि क्या ये एक आइनी तौर पर वजीर आला बन। ये क्लिप आपने सुना और इसमें इमरान खान साहब वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि ये गद्दारी किसने की है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और मैं वतन की खातिर चुप हूँ। और मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो फिर मैं सब कुछ बता दूँगा। साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमजा शहबाज जो हैं वो अभी तक वज़ीरे आला क्यों हैं। साथ ही साथ वो परेशान हैं कि पंजाब का मैंडेट जो है वो चुराया जा रहा है और खान साहब के साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके उम्मीदवारों को हरवाया जा रहा है। इन सारी बातों पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। पहली तो बात ये कि वो धमकियां किसे दे रहे हैं। देखिए, इमरान खान और उनकी जमात का टारगेट गुज़िश्ता कुछ अरसे से जनरल कमर जावेद बाजवा है। फोकस करके, टारगेट करके, ट्विटर ट्रेंड बनाकर और सब कुछ इमरान खान साहब, सोशल मीडिया वाले गालम दिंग गलोच ब्रिगेड जो है वो मिलकर जनरल बाजवा को जो है टारगेट कर रही है। और मकसद उनका क्या है, मकसद बड़ा वाजह है कि उन्होंने फ़ौज के अंदर एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की। वो जनरल फैज़ उम्मीद वाली कहानी, वो डिवाइड क्रिएट नहीं हुई और कोशिश की कि अपनी मर्ज़ी के लोग ऊपर आ जाएं और उनका इक्तदार ता क़यामत कायम रहे, वो नहीं हो सका। एक स्टेज पे उनके लाने वालों ने सोचा कि भाई अब बहुत हो गई, अब मामलात इस स्टेज से तक पहुंच गए हैं कि अब हम भी नहीं बचेंगे, मुल्क भी नहीं बचेगा। तो फिर इमरान खान साहब की बैसाखियाँ छीन ली गई। ब्लैकमेल क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी इलेक्शन से पहले बहुत सारी मुलाकातें हुई होंगी। 2000 का 18 का इलेक्शन कैसे रिग करना है, इसके बारे में भी कुछ बातचीत हुई होगी। और इनको किस तरह सपोर्ट करना है इमरान खान साहब को, ये भी बात हुई होगी। साथ ये भी बात हुई होगी कि ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह, ये तो सब चोर हैं, डाकू हैं। ज़ाहिर है इमरान खान का जो बयानियाँ हैं, किसी के कहने पे बयानियाँ हैं। तो ये सारी बातें इमरान खान और उनकी जमात वाले चूँकि ज़रा थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड रखते हैं, तो यकीनन ऐसी किसी मीटिंग की, ऐसी किसी टेलीफोन कॉल को उन्होंने भी रिकॉर्ड किया होगा, जिसमें ये कहा होगा कि ये तो बड़े बाकी सियासतदान चोर डाकू और गद्दार हैं, आप खान साहब मसीहा हैं। तो बाद में सूरत हाल चेंज हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब के पास इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं। अच्छा, खान साहब ने ये धमकी दी फ़ौज को कि भाई मैंने एक वीडियो तैयार कर ली है और वो तैयार करके किसी महफूज जगह पे रख दी है, और अगर मुझे कुछ हुआ,
यानी असल डर ये है, अब ये पड़ गया है कि मुझे कुछ ना हो जाए। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी हुई है मैंने, और वो वीडियो जो है अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो चला देंगे, जैसे बम नहीं चला देते, इस तरह की सूरत हाल है। अब खान साहब क्यों धमका रहे हैं? धमका इस वजह से रहे हैं कि जो जिनके खिलाफ़ ये कैंपेन कर रहे हैं या जिनके बारे में खान साहब को शक है कि उन्होंने इनकी हुकूमत गिराई है, वो कभी इमरान खान के साथी रहे हैं, कभी वन पेज के तराने गाते रहे हैं। तो तराने गाते गाते कोई तराना रिकॉर्ड हो गया होगा और खान साहब उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आदमी ये कहना शुरू कर दे कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मुझे कुछ हुआ, तो बेसिकली वो खौफ जदगी का आलम होता है। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि अगर जो है मेरे पास बताने को बहुत कुछ है और मैं चुप हूँ, लेकिन अगर मैं बोल पड़ा तो फिर देखिएगा, और मैं चुप वतन की वजह से। पहली बात तो ये, खान साहब चुप हैं ही नहीं। जो बोहतान वो इल्ज़ाम वो लगा सकते थे फ़ौज की क़यादत के ऊपर, वो लगाए, धड़ल्ले से लगाए। जलसों में कहा है जनरल बाजवा ने मुझे फ़ोन किया कि फजलुर रहमान को ये नहीं कहना। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है, अगर आप वो जलसों में बताने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। तो चुप तो वो नहीं थे, या फिर जब वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और या फिर जब वो कहते थे कि अवाम मेरे साथ हैं, अंपायर उनके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, तो जाहिर है बड़ा वाज़े तौर पे वो टारगेट कर रहे थे फ़ौज की आला क़यादत को, और उन्होंने बड़ा खुल कर ये सारी बात की है। तो चुप तो वो बिल्कुल नहीं है, दबा के बात कर रहे हैं। अब वो मज़ीद और बोलेंगे। अच्छा, खान साहब थोड़े अरसे के बाद शोशा छोड़ देते हैं कोई ना, कि अगले जलसे में मैंने ऐसा ऐलान करना है कि बस आप देखते रहे। अगले जलसे में भी वही पुरानी तकरीर होती है, वही 22 साल जद्दोजहद, क्रिकेट का कप्तान, न्यूट्रल अंपायर शौकत खानम, और जो है तहरीक इंसाफ, वो पुरानी तकरीर, चोर डाकू और ये वो, वही पुरानी तकरीर होती है, कोई नई बात नहीं होती। लेकिन ये मीडिया गेमिक्रीज हैं कि अगले जलसे में आप देखना, अब क्या वाली बात करते हैं। तो वो उन्होंने धमकी दे दी है, और जिस तरह वो बता रहे हैं कि खुफिया वीडियो रिकॉर्ड की है, तो जिनको वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यकीन रखें उन्होंने खुफिया वीडियो ढूंढ लेनी है। तो अच्छा, खुफिया वीडियो क्या उन्हीं की होगी? खुफिया वीडियो इमरान खान की नहीं होगी। तो ये बदकिस्मती से ये ट्रैफिक दो तरफा चलती है। जो जो है ना, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कुछ एजेंसियाँ उनके नीचे काम करती थी, तो ज़ाहिर है उनके पास एबिलिटी थी कि कुछ रिकॉर्डिंग कर सकें। तो वरना तो एक तरफ ही होती है ना, सहाफ़ियों की, बिजनेसमैनों की, वज़ीरों की, सियासतदानों की रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग करने वाले की नहीं होती। तो वो दो तरफा बात है। खान साहब ने भी कुछ की होंगी, लेकिन मुझे लगता है खान साहब की ये चीज़ें गीदड़ भभकियाँ हैं, और कोई ख़ास उनके पास ऐसे एविडेंस नहीं है कि वो फ़ौज की क़यादत को तोड़ सकें। नहीं तोड़ सके, सही है या गलत, हमारे सोसाइटी में कभी भी नहीं तोड़ सके, और ना सियासतदान, ना सहाफ़ी, ना समाजी कारकुन, ना सोशल मीडिया, उन्होंने जो फ़ैसले किए होते हैं वो उनकी तरफ से अटल और हतमी होते हैं। अब पंजाब के इलेक्शन के हवाले से भी उन्हें ये खदशा है वज़ीर आला, और कहा जी हमारे फ़ैसले तो रात को आ जाते थे जो अदालतें खुलवा के। अच्छा, खान साहब को बस एक अदालतें खुलवा के वो जो आइन शिकनी वाला मुकदमा है उस पर बड़ा दुख है, बाकी मुकदमात की तरफ उनकी नज़र नहीं जाती। कासिम सूरी साहब 3 साल से स्टे पे हैं, उनका अपना इलेक्शन मुतनाज़ा है और वो डिप्टी स्पीकर रहे हुए हैं। अच्छा, फॉरेन फंडिंग को 8 साल हो गए हैं, उसका फ़ैसला नहीं हुआ। केपीके में एहतसाब का इदारा इन्होंने ख़ुद बंद कर दिया। केपीके में बीआरटी के बारे में जब तहकीकात होने लगीं, जब एफआईए वगैरह नैब बीच में पड़ी, तो उन्हें रोक दिया गया। तो फ़ैसला तो खान साहब आपके ख़िलाफ़ एक ही आया है,
कोई ऐसा थोड़ी है कि 50 फैसले आ गए, 100 फैसले आ गए। एक रात आपने आइन शिकनी की इंतहाई कर दी, पूरी कौम, पूरी असम्बली, अवाम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत का हुक्म आ गया हुआ है, तहरीक अदम एतमाद हो गई हुई है, तो अब करें। लेकिन उसके बाद भी ऐसे तमाशे किए गए कि खान साहब को असल में तवक्को नहीं थी कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो कह रहे थे कि बचाने वाले खुद आ जाएंगे। अब खान साहब बचाने वालों को मारने पर तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि ना मैं बचूंगा ना मैं इनको छोड़ूंगा। तो ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव पाथ है। और इमरान खान साहब जो है ना, अभी तक उनको वो हाथ नहीं लगे जो अपोजिशन को लगे थे। और मैं वो किस्सा बार बार बताता हूँ, जिस तरह राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, 20 किलो हीरोइन डाल दी और फिर उनकी आंख में तकलीफ़ है उनकी, और उनकी फैमिली को पता ही नहीं चला। वो रात गए जाके कहीं पता चला कहाँ रखा गया है। उनको आंख की दवाई नहीं देने दी गई, उनको बिस्तर नहीं दिया गया, बेड नहीं दिया गया, चटाई दी गई, चटाई पे चीनी डाल दी गई ताकि कीड़े मकौड़े उन्हें सारी रात काटते रहें। तो भी और इमरान खान साहब ऑनलाइन सीसीटीवी की फुटेज देखा करते थे और एक सिख माइंडेड शख्स की तरह इस सूरत हाल को इंजॉय किया करते थे। तो खान साहब बड़े डिस्ट्रक्टिव पाथ पे हैं, लेट्स सी के क्या बनता है। लेकिन माजी में इस तरह की बातें, इस तरह की धमकियां जिसने दी हैं उसका बना कुछ भी नहीं है। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।